बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बायजूराज महारानी की जय, परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री राज श्यामा जी के अत्यंत लाडिले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मानुरागी धर्म पायन सुंदर साथ जी, हम सबों को यह अच्छी तरह से जानकारी है कि आज का दिन 31 दिसंबर, यह दिन 2021 का अंतिम दिवस चल रहा है। आज रात्रि 12 बजे के बाद 2022 का साल वर्ष शुभागमन करेगा। आज हम सभी सुंदर साहब जी और मानव जगत के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति 2 वर्षों के बीच में, 2 वर्षों के समागम के बीच में अपना समय व्यतीत करते जा रहे हैं। एक वर्ष है जो धीरे धीरे पल पल क्षण क्षण पास हो रहा है, जा रहा है। दूसरा वर्ष है कि एक एक पल पल क्षण क्षण इंतजार कर रहा है कि 2022 का वर्ष मानव जगत के बुद्धि के अंदर में मैं प्रवेश कर रहा हूं। एक तरफ हम सभी 2021 को विदाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ 2022 के वर्ष के लिए पलकें बिछाकर स्वागत करने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि ये जो 21 और 22 की बात हम लोग कर रहे हैं, यह संस्कृति, यह कल्चर, हमारा भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति की सिस्टम नहीं है। हमने इसे बाहर के विदेशी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कारण है कि आज जब सारी दुनिया एक प्लेटफार्म पर आ रहा है तो उसमें जो संबत, जो साल, जो सन सबसे अधिक प्रचलित है उसे दुनिया के लोग अपने साथ में ले लेते हैं या उनके साथ वो चल पड़ते हैं। यह भी सत्य है कि जो हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति है, इस भारतवर्ष में जो संबत चलता है, शाका चलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम लोग यह कामना करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय साल, भारतीय संबत संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के ऊपर में इनका साम्राज्य हो, सभी जगह यह संबत साल चले, हम लोगों की इच्छा है। और राज्यसभा जी राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है कि जरूर से जरूर हम सबों की इस इच्छा को वो पूर्ण करें। पर इस समय तो हम लोग भी इस चीज को जानते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर में सन का ही साम्राज्य चल रहा है। इसलिए 2022 का सन, जो 1 जनवरी उनका हम इंतजार कर रहे हैं, वह क्षण, वह घड़ी अब कुछ ही समय के बाद में आने ही वाले हैं। तो मैं खास राज समाज के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में, श्री जी बायजूराज के चरणों में, सदगुरु धन श्रीदेवी चंद जी महाराज के चरणों में और परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कि हम सबों की प्रार्थना को स्वीकार करें और 2022 का जो यह आने वाला नया वर्ष हम सभी मानव जगत के लिए, सभी मनुष्य प्राणी के लिए भी और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्राणी है
सबके लिए यह सुख शांति आनंददायक हो, मंगलकारी हो, सबका जीवन सुख शांति आनंद में व्यतीत हो, सबका लाइफ सक्सेसफुल हो, ब्राइटनेस हो और सब सुख शांति आनंद में रहे, इसी मंगल कामना के साथ सभी सुंदर साजी को, मानव जगत के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए भी सबको महामंगलपुरी धाम की ओर से, शेरपुर धाम की ओर से शुभकामना, बधाई, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, खूब खूब धन्यवाद और सूर्य नारायण का प्रणाम आप सभी स्वीकार करेंगे, प्रणाम बोलो श्री।